फ्रेंड्स अभी 11:30 बजे रात के हो रहे हैं और अभी नीचे अनिमेश प्रिया और शिव है, इनको पकड़ते रहेंगे हाथ। पार्टी का प्लान तो यार कैंसिल करा दिया, अभी लड़ाई करूँगा जाके, खूब लड़ाई करूँगा। उनको पता नहीं कि मैं आ रहा हूँ, जाता हूँ टिकट कराएंगे। पकड़े गए रंगे हाथ पकड़ा इन सालों को, देख रहे हो इनको। हमारे यहाँ ओनम के फेस्टिवल में ओनम की टीम है यहाँ पर, कुछ फ्लावर्स डेकोरेशन के लिए। भाई इतना ज़्यादा हवा है ना, देखिए इतना ज़्यादा हवा है कि पूरा उड़ जा रहा है। सो दे आर स्ट्रक, दीपा इज ऑलरेडी ट्राइंग हर बेस्ट, रंगोली वगैरह डाल दिया यहाँ पर, लोग रोकने की कोशिश करें पर ये उड़ जा रहा है बार बार। सो दे आर स्ट्रगलिंग, वी आर ट्राइंग टू क्लोज दिस डोर पर नहीं पा रहा है। अच्छा, 12:30 बज गए, गप्पे मारते मारते हम उठते हैं, गप्पे मारे लौट रहा हूँ घर, जाएंगे घर सोने उधर। कल सुबह कुछ प्लान है और अगले ब्लॉग में देखना है, अगले ब्लॉग में इसे ब्लॉग में कहूँगा, इसे ब्लॉग में नहीं कहूँगा, लेकिन सुबह नहीं कहूँगा, अभी नहीं बताऊँगा। चलो देख रहे हो, सुबह सुबह उठ के तैयार हो गया। मैं आपको कह रहा था ना, कुछ प्रोग्राम है हम लोग का सुबह, सो हम लोग जा रहे हैं गदर 2 देखने। आज बोला नहीं, आज मिस नहीं करेंगे, सनीपा जी का मूवी जरूर देखेंगे, है ना। तो आज सुबह सुबह 9-10 बजे के आसपास पाकिस्तान का एक हैंडपम्प उखड़वा के आएंगे, है ना। एक हैंडपम्प पाकिस्तान को उखड़वा देना आज 10 बजे के आसपास हो जाएगा, वही जा रहे हैं। बहुत दिन से प्लान बना था, हाना एक बार तो टिकट बुक होके कैंसिल किया हो गया, मैं डर रहा हूँ जब उनको क्या हो गया। एक बार टिकट बुक हो कैंसिल भी हो गया, लेकिन उन्होंने बोला नहीं अब ये मिस नहीं करेंगे, अभी जाएंगे, आज जरूर जाएंगे। आज शाम को मेरा ओनम का वो भी है, प्रोग्राम भी है, पर आज सनीपा जी को इन्जॉय करके आएंगे, उसके बाद सारा प्रैक्टिस करेंगे और शाम को ओनम का शो करेंगे। तो कल आपको दिखाया था मैंने वो ओनम की टीम बेचारी बैठ के उसको अरेंज कर रही थी फ्लावर्स को, लेकिन इतने ज़्यादा हवा थे, फिर हमने वो दरवाज़ा तो बंद नहीं हो पाया, तो हमने टेबल लगा के उसको ब्लॉक कर दिया था, सो आगे वो अपना अरेंज कर पाए थे। सो एनीवेज गाइस, वेलकम, शुभ क्या बोल रहा हूँ मैं आज, क्या हो गया, नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल, कम बंगड़ी एंड केम छो माई वेरी गुड फ्रेंड्स, शेखर एंड वेलकम बैक टू माई पैशन वर्ल्ड। तो चलिए आज सुबह सुबह गदर में जाने की बात से शुरू करते हैं, दिन की शुरुआत है। तो निकल रहे हैं मूवी के लिए, स्टाइल का मूवी, राशि आज एक चापा कलो खड़ेगी, एम पम खड़ोगी ना राशि, चापा कलो पल्स है, पल्स है, पल्स तो नहीं है, लेकिन क्या बोला, क्या समझी, लेकिन क्या बोला, क्या समझी, अभी देखी नहीं है गदर वाली, इसलिए उसको पता नहीं। बहुत कम लोग आप लोग जानते होंगे, इंटरेस्टिंगली बिहार में हैंडपम्प को चापा कल कहते हैं, चाप से पानी निकलता है, चापा कल कहते हैं। सो हम लोग बिहार में, जिन लोग बिहार से, हम लोग समझ पाएंगे कि हैंडपम्प को क्या के बारे में बात होती है, जब भी चापा कल कहें ना तो हैंडपम्प के बारे में बात होती है। चलिए फटाफट भागते हैं, आप काम को, अपने पास टाइम है फिलहाल, तो 1 घंटा है अभी आराम से, बहुत और ज़्यादा दूर भी नहीं है, सो टाइम नहीं लगना चाहिए, भाग लेते हैं। सुबह निकलने का एक फ़ायदा होता है कि ट्रैफिक बहुत कम मिलता है, और हम लोग का प्लान था कि सुबह अगर हम मूवी देख लेंगे तो दिन भर हमारे हाथ में रहेगा, तो कुछ भी प्लान करके कर सकते हैं। इसलिए आज का जो प्लान बना हम लोगों ने सुबह बनाया, सुबह निकलेंगे,
काम निपटाएंगे और उसके बाद पूरा दिन हमारे हाथ में होगा, जो करने का प्लान करेंगे। आज आशी का डांस भी है तो आशी आज कमर मटकाने वाली है ना। आशी कौन से गाने पे डांस कर रही हो ये बताओ। फ्लावर, डांस मेरी रानी और उसका उसके बाद गिला गिला दिल गिला गिला। Oh my God! इतने सारे गाने पे एक साथ डांस कर लोगे? और अगर सुखा सुखा है तो दिल कैसा होगा? गिला गिला में तो दिल गिला गिला होगा और सुखा सुखा में हम लोग पानी फेंक फेंक के गिला दे देंगे। आज ब्लू है फूल है ना, पर उसे सूखा कैसे हुआ? पानी एवेपोरेट हो जाएगा तो सूख जाएगा। पानी सुखाया जाएगा, ठीक है। बोलो बोलो तुम बोलो तो बोलो 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 कुछ तो बोलो सामने वाले। अय्या अय्या अभी इंटरवल हुआ, हम लोग मूवी देख रहे थे, मजा आ गया। सनी भाजी का एक्शन देखने का मजा आ रहा है। देखो गदर देखने का असर यहाँ पर देखो। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। सो अभी उलंग गेम्स चल रहा है और उलंग से सबसे पहले शुरू होता है टैग ऑफ वॉर से, तो टैग ऑफ वॉर यहाँ चल रहा है। अभी हमारी भी एक सर की थी वुमेंस, मेंस का भी शुरू देख हुआ है, मैं भी पार्टिसिपेट कर रहा हूँ तो दिखाऊंगा। फिलहाल दूसरे विंग के लोग आए, विंग वाइज कॉम्पिटिशन होता है तो यहाँ दूसरे विंग के लोग आए। विंग टू हमारी जीत चुकी है, वुमेंस फर्स्ट राउंड जीत चुकी है, तो आपको दिखाऊंगा। Lose, lose, lose. Count of three. Lose. Three, two, happy girl. One. Start. Go, go, go. Guys, this is Wing 2 team and we have won the first round. Hey babe. Hooray. Hey babe. Hooray. Hey babe. Hooray. Hey, okay. The count starts now. This is our three. For Unam, we are performing tonight. All the best. The count starts now. Three, two, one. The men's have next count. Wing 3 has entered the finals of the tug of war. Fantastic, guys. Wing 2 is so fast. गाइज बिग बेनिफिट फॉर कीर्ति, बहुत आगे स्टडी, बहुत तगड़ा लगाया इसने, लटक गई थी, बिल्कुल लटक गई थी एकदम। नहीं गुड वन, ऑल द लेडीज डिड वेरी गुड। हम लास्ट टाइम भी जीते थे और इस टाइम भी जीते और फिर जीतेंगे, आगे भी जीतेंगे। तो अभी अभी चैंपियन टीम की एक फोटोग्राफ होगी। Three cheers for the winning team, winning ladies here. Hey babe! Hooray! Hey babe! Hooray! Hey babe! Hooray! ये देखो, आज मेरा ओनम का शो है। कैसा लग रहा हूँ? अच्छा लग रहा हूँ? भाई लेडीज से स्पेशल डिमांड है कि पीकॉक कलर का ब्लू पहन के आओ, समझ रहे हो? वो पहन के आ रहा हूँ।
सो फ्रेंड्स आज एक छोटा सा म्यूजिकल इवेंट है, मतलब म्यूजिकल तो बड़ा है, ओनम का कल्चरल फेस्टिवल हो रहा है, उसे मैं एक छोटा सा ट्रैक पार्ट बजा रहा हूँ। कुछ 12-13 सॉन्ग्स का एक मेडली बनाया है, मैंने नहीं बनाया, गा रही हैं कुछ लड़कियाँ, सूर्या की टीम, सूर्या दो तीन बंदियाँ और हैं, वो लोग गा रही हैं और मैं सिर्फ उनको हेल्प कर रहा हूँ, उन ट्रैक्स बना के वो बजाऊँगा ताकि वो लोग अच्छे से गा पाएँ। सो और कुछ पार्ट मुझे भी गाने को मिला, अभी रट लिया, रट के गाऊँगा। एग्ज़ाम में रट के पास नहीं होता था लेकिन यहाँ देखता हूँ पास होता हूँ उनके लिए, तो मतलब रटना मुझसे होता ही नहीं था एग्ज़ाम में, पेपर पे लेके चिटिंग करके गाऊँगा। तो एनीवेज गाते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो चलिए आपको भेद दिखाऊँगा, वेट पर ही। सुबह तो आपने देखा ही होगा, टेग ऑफ वॉर में तो हार गया, नाक कटा दी सबकी, लेकिन कोई बात नहीं, हमारी विंग की लड़कियाँ जीत गई, तो एक्चुअली प्राइज हमारे पास भी एक आ ही गया। लास्ट ईयर भी जीती थी, इस साल भी जीती, लास्ट ईयर भी भारत, इस साल भी हारे, रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं ना, रिकॉर्ड तोड़ने नहीं देते हम किसी को, मेंटेन रखते हैं। चलो फिलहाल तो परफॉर्मेंस पे चलते हैं, फिर आपसे बताते हैं।